मौरी गुरु, कल फ्रेंड्स प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सारी बातें क्लियर भी हुई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात क्लियर हो गई कि 4 मेंबर्स की कमेटी जो है वो अब डिसीज़न लेगी। अब वो अपना जो भी रिपोर्ट होगी वो विद इन 1 वीक सबमिट करेगी। बेसिकली कल अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुना होगा तो बेसिकली अब फोकस रहा है कि 1600 बच्चों को इतने ज़्यादा मार्क्स कैसे मिल गए, ग्रेस मार्क्स का क्या क्राइटेरिया था। हालांकि एनटीए ने क्लियर भी किया था कि क्लैट 2018 का जो डिसीज़न था सुप्रीम कोर्ट का, वही उन्होंने फॉलो किया। स्पीड टाइम एक्यूरेसी के हिसाब से उन्होंने ये ग्रेस मार्क्स दिए हुए हैं। हालांकि इस पर बहुत सारी हाई कोर्ट में ये मैटर भी गया हुआ। बेसिकली अगर आप फोकस करोगे तो अब जो केसेस आ रहे हैं वो बेसिकली ये 1600 स्टूडेंट का जो ग्रेस मार्क्स का इशू है, ये ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। नीट के पेपर लीक का जो इशू था ऑलरेडी वो एड्रेस हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई रखी हुई है बात के लिए। हालांकि उसके बेस पे उन्होंने नीट के रिज़ल्ट को कैंसिल नहीं किया या फिर उसके रिज़ल्ट को विदहेल्ड नहीं किया। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे होंगे तभी आपको ये पता चल रहा होगा कि जो भी बातें थी वो सारी क्लियर की गई, हर बात को एक्सेप्ट किया गया और कहा गया कि हमारी तरफ से सारी जांच कंप्लीट होगी। ये 4 मेंबर्स की कमेटी है जो वो अपनी रिपोर्ट देगी, चाहे वो नीट पेपर लीक हो, चाहे 1600 स्टूडेंट का जो ग्रेस मार्क्स का इशू हो, इरेगुलरिटी हो, सारा क्लियर करेगी। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अगर ये 4 मेंबर्स की कमेटी अपने डिसीजन देती है तो, पहली पॉसिबिलिटीज़ ये कि 1600 बच्चों का जो ग्रेस मार्क्स है उसमें कुछ चेंजेस आएँ। दूसरा पॉसिबिलिटीज़ ये है कि 1600 बच्चों का जो एग्ज़ाम सेंटर्स पे जो एग्ज़ाम हुआ है उनमें री एग्ज़ाम कराया जाए। तीसरी पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती है कि अगर ये मास लेवल पे उन्हें लगता है कि मास लेवल पे चीटिंग हुई है, मास लेवल पे इरेगुलरिटी हुई है, हालांकि एनटीए ने क्लैरिफाई किया है कि मास लेवल पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना ही कोई ऐसी इरेगुलरिटीज़ उनके सामने आई हुई है, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। इसके बेस पे सुप्रीम कोर्ट में भी बच्चे गए थे और वहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके रिजल्ट को विदहेल्ड नहीं किया था। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि तीसरा केस ये भी बनता है कि पूरा नीट का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल किया जाए और दोबारा एग्ज़ाम कराया जाए, जो कि बहुत ही लंबा प्रोसेस है। मींस फिर से री एग्ज़ाम होगा, फिर से आपके एडमिट कार्ड आएंगे, फिर से आपको सेंटर पे जाना होगा और एग्ज़ाम से पहले भी आपको कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा और ये प्रोसेस कम से कम 1 महीने से ऊपर का हो जाएगा मिनिमम। तो अगर ऐसा होता है तो आपकी काउंसलिंग फिर अगस्त सितंबर तक जा सकती है, फिर वो कोविड टाइम वाला यहाँ पर हो सकता है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ लग रही है मुझे, वो ये लग रही है कि 1600 बच्चों के जो ग्रेस मार्क्स हैं उसमें कुछ चेंजेस आएँ। हालांकि उससे आपके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही उन बच्चों के रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा जो 1600 कैंडिडेट्स इन इफेक्टेड सेंटर पे हैं। कहने का सीधा सीधा मतलब है 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। एक, 1600 बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल हो, फिर से री एग्ज़ाम कराया जाए। दूसरा, 1600 बच्चों के ग्रेस मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो चेंज किया जाए, उनके मार्क्स चेंज हों, उनकी रैंक चेंज हो। तीसरा, ये हो सकता है कि अगर मैक्सिमम इरेगुलरिटीज़ आती हैं नीट के एग्ज़ाम में तो नीट के एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। ये केवल 3 ही पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। अगर उन्हें लगता है कि ग्रेस मार्क्स ठीक ठाक दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट उससे राज़ी हो जाता है तो फिर हो सकता है कि रिज़ल्ट में कोई चेंजेस ना हो। और जैसा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला गया है कि हमारे जो एडमिशन प्रोसेस में है उसमें टाइम लॉस नहीं होगा। मतलब ये है कि यहाँ पे एक बात तो क्लियर कर दी है कि वो लंबा इसको खींचने वाले नहीं है। लंबा इन द सेंस कि अगर ये बहुत लंबा खींचने के केस होता तो वो ये बोल देते कि मे बी डिले, लेकिन उन्होंने ये बोला कि कोई भी काउंसलिंग के प्रोसेस में कोई भी डिले नहीं होगा, ना कि स्टूडेंट के रिजल्ट में डिले होगा।